नमस्कार अर्गस बी ब्रेकिंग को स्वागत करुछि मु कमलाकांत। गोटे बड़ खबर बड़ घटना जहाँ को नहीं सारा राज्य ओडिशा रे आतंकवादी लुचिछंती कि गत काली कलिकतारु जेतेबेले तीन आतंकी गिरफ हेले एवं सारा देश को 15 आतंकवादी आसीथिबा कथा सामना को आसिला सेतेबेले ओडिशा को मध्य आतंकवादी प्रवेश करथिबा कथा सामना को आसिला और वर्तमान एबे घटना हेउछि जे ओडिशा रे लुचिछंती कि आतंकवादी एने गुइंदा विभाग पाखरे कोनोसी तथ्य रहिछि कि आउ जदि गुइंदा विभाग पाखरे तथ्य नहीं कारण पूर्वर भी अनेक समय ओडिशा रे आतंकवादी आसीछंती पुरी रे रहिछंती भुवनेश्वर रहिछंती कटक रहिछंती एवं पळे जाइछंती किंतु गुइंदा विभाग पाखरे खबर पहुंची नथिला एवं वर्तमान भी सेई अभियोग आसुछि जेतेबेले ओडिशा रे आतंकवादी आसी थाई पारंती बोली चर्चा होछि जातीय गणमाध्यम रे चर्चा होछि सेतिके बेले समस्त मन में गोटे प्रश्न ओडिशा रे आतंकवादी रही कि आदि आसी तेबे सेमाने केउठी अछंती गुइंदा विभाग सजाग अच्छी तो कारण बारंबार आम यह घटना देखिचु जदि ओडिशा को सब टार्गेट करती कारण देखु जदि सामरिक विभाग कथा देखा तेबे चांदीपुर रही चारबाटिया रही पुरी में श्रीमंदिर रही जोटा कि सबुबले आतंकवादी टार्गेट रही स्थित जदि आतंकवादी केउठी लुचिछंती गुइंदा विभाग जानिबनी तबे निहाती भावरे गोटे संगीन स्थिति सृष्टि होई पारे कारण जेतेबेले गतकालीय घटना जदि आमे देखिबा तबे जेएमबी जमातुल मुजाहिदीन रो जेतेबेले 15 आतंकवादी भारत को आसीथिबा कथा सामना को आसिला एवं कोलकातारु 3 जण गिरफ मध्ये होइथिले तबे पश्चिम बंगरे 5 जण रहिथिबा बेले अन्य जो रहिछंती आतंकवादी सेमाने ओडिशा समेत बिहार एवं जम्मू काश्मीर रे थाई पारंती बोली सूचना आसीथिला किंतु वर्तमान प्रश्न बड़ प्रश्न जे ओडिशा रे आतंकवादी प्रवेश करिछंती कि आ जदि प्रवेश करिछंती तेबे गुइंदा विभाग एने किछि तत्परता देखाइछि कि एवं सबुठु आउडे बड़ प्रश्न जेतेबेले एनआईए गोटे वर्ष तले एनआईए तरफरु ओडिशा को सतर्क करा जाइथिला जे ओडिशा आतंकवादी को टार्गेट रहिछि कारण ओडिशा रे पूर्वरु जदि ट्रैक रेकर्ड देखिबा तेबे सब टार्गेट भाबरे आतंकवादी माने नै पारंती कारण ओडिशा रे बहुत गुरुत्वपूर्ण स्थान रही सामरिक दृष्टि पर्यटन दृष्टि रही किंतु जदि गुइंदा विभाग तत्परता न देखाइब तेबे पूर्व भली जो सब ट्रैक रेकर्ड आम आगू कहूार क्यों क्यों के आतंकवादी माने धरा पड़ी से संपर्क में आम आगु को आलोचना करवा तेबे वर्तमान खबर को नहीं आलोचना आम प्रतिनिधि इम्रान जोड़ कटकू इम्रान आपण गत काली एक खबर को प्रसारण करते जोबले ओडिशा प्रति विपद आसा आतंकवादी कथा आसी तेज वर्तमान कौन अधिक अपडेट आसू गुइंदा विभाग पक्षर किसी सूचना मिल पार कि देखो कमलाकांत जब भाव में जानते हैं गत काले आम खबर प्रसारण करूँ जो कोलकाता में जितेबाड़े जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश जो आतंकवादी संगठन तीन जन सदस्य कोलकाता एसटीएफ द्वारा धरा पड़ते और जहाँ पचराउचरा समय सूचना मिलता तथ्य सामना आसाला पाखापाखि 15 जन से ओडिशा बिहार एवं कोलकाता एसटीएफ को सूचना देते हैं से ही आधार जिते बड़े देखिए आप ओडिशा बिहार और जम्मू काश्मीर खेल से वर्तमान अच्छा कौन तक गतिविधि रही ए सबू प्रसंग वर्तमान गोटे बड़ प्रश्नवाच सृष्टि करपटे यहाँ को लेकिन ओडिशा पुलिस विभाग पक्ष जेहतु कौन सूचना मिल पारे कि विश्वस्त सूत्र खबर मिलूँ जो ओडिशा जो गुइंदा विभाग रही है से कोलकाता पुलिस एसटीएफ सहित जोजोग अच्छी जो से जो वर्तमान कोलकाता एसटीएफ जो धरिक रखी तीन जन जो जमातुल मुजाहिदीन तीन जन आतंकवादी रही ओडिशा पुलिस गुइंदा विभाग नजर रखी जदि आवश्यक पड़े तरह से पश्चिम बंग जाए पचराचरा सहयोगी सब क्यों जगार अच्छा सदस्य मान कार्यकलाप कौन रही कौन से आगे कार्यकलाप करने चाहिए सब विषय तथ्य संग्रह करने बोध हुए ओडिशा गुइंदा विभाग टीम पश्चिम बंग जापे से निहत भाव में कोटे कोटे से वर्तमान पश्चिम बंग सहित जोजोग अच्छा यार तथ्य से प्रमाण व संग्रह करने वर्तमान लगी पड़ते कहीं जानते हैं जेहतु आतंकवादी ओडिशा रे प्रवेश करने घटना किसी नुआ नुहे जदि मुझे पांच वर्ष गत पांच वर्ष तथ्य जब आप रखी तेल जदि आप देखिए अलकायदा आतंकवादी ठीक आरंभ करके अलकायदा तालिबान हिजबुल मुजाहिदीन और कहींपरेंगे जदि आप जो आईएसआई पाकिस्तान जो गुइंदा संस्था आईएसआई भाव में अनेक आतंकवादी संगठन सहित ओडिशा रे अधिकांश सदस्य मैंने गिरफ्त होते हैं ट्रैक रिकॉर्ड कथा आगू को आलोचना करवा तेज वर्तमान जो प्रश्न एसटीएफ सहित जोजोग रही मैंने मनरे सन्देह अच्छी किसी सूचना मिलूँ ओडिशा को आतंकवादी आसी थी पारती से एसटीएफ सहित जोजोग रही कोलकाता टीम जापे ये जो सन्देह कहीं
देखो कमलाकांत निहत भाव सन्देह करवा कि मैंने किसी भूल कथ नुह सन्देह करार निहत आवश्यकता रही है कहीं जेहतु आप दिवस पूर्व देखिए जितेबाड़े एनआईए डीजी जोगेश चंद्र मोदी ओडिशा को आसते एक वरिष्ठ अधिकारी सहित एक बैठक होता है आलोचना और दिल्ली में सामान प्रसंग कथा कही बांग्लादेशी आतंकवादी खास करके जो जेएमपी जमातुल मुजाहिदीन आतंकवादी सदस्य मैंने ओडिशा थी पारती से पूर्व सूचना देते सतर्क करते से यही खबर को लेकिन विभिन्न गणमाध्यम खबर प्रकाश पाई और अनेपटे जदि देखिए जेहतु ओडिशा वर्तमान सुधा ऑफिशियल इनफॉर्मेशन ऑफिशियल सूचना किसी मिल पार ना ओडिशा पुलिस विभाग पक्षर कि जहाँ सूत्र खबर मिलू जे गुंडा विभाग अधिकारी माने जेहेतु कोलकाता रो एसटीएफ सहित जोगाजोग अच्छा जदि आवश्यक पड़े से माने कोलकाता जाई पारंती एवं से जो तीन जन धरा पड़ते कोलकाता एसटीएफ द्वारा से पचराउचरा करके अधिक तथ्य संग्रह कर पारती कहीं आप जानते ओडिशा जदि देखिए दुई तीन मुख्य जिला रही है आपड़ बालेश्वर कथा कहतु केन्द्रापड़ा जिला कथ कहतु कहीं दुईट जिला जेहेतु पश्चिमबंग सहित सीमावर्त जिला रही है और समुद्रकूल को लगी रही जेहेतु ये जो 15 जन आतंकवादी जमातुल मुजाहिदीन सदस्य मैंने आसिकी पश्चिमबंग प्रवेश करते बांग्लादेश देखी से समुद्रकूल देखिए अनुप्रवेश बेन भाव में और जो सदस्य मैंने जो विभिन्न जगह को वर्तमान जाते समस्ते से समुद्रकूल और नईकूल को व्यवहार कराद्वारा कि प्रवेश करार सफल होती से जब आप देखिए बालेश्वर जिला कथ कहतु केन्द्रापड़ा जिला कथ कहतु ये दुईट जिला को अधिक फोकस पारे और से ही दुईट जिलार सीमावर्त अंचल मानक खास करके समुद्रकूल पाखे जो लोक मैंने रोचु जाकि बोध हुए पचराउचरा कर गुंडा विभाग से आप जानते अधिकांश रोहिंग्या अधिकांश बांग्लादेशी मुसलमान मैंने आसिक नकली परिचय पत्र आधार कार्ड परिचय पत्र कथा कहते मुझे कहना चाहिए एनआई पक्षर गोटे वर्ष तले जिते कहते बांग्लादेशी अनुप्रवेशकारी जो रही शरणार्थी नारे ओडिशा रे प्रवेश कर आतंकवादी जो लिंक रही गोटे वर्ष तलु ओडिशा बा गुइंदा सरकार गुइंदा एवं राज्य सरकार को एनआई पक्षरु सूचना दिया जाए थिला तो कौन लगुच राज्य सरकार एवं गुइंदा विभाग जो रही गोटे वर्ष तले जो एनआई पक्षर जो सतर्क करा जाए थिला राज्य सरकार से गुरुत्व देना कारण वर्तमान आज घटना नुहे बारंबार ये कथा सामना जितेबाला ओडिशा को आतंकवादी प्रवेश करा आतंकवादी टार्गेट रे थिबा कथा सामना कासुची जदि राज्य सरकार एवं गुइंदा विभाग गोटे वर्ष तलु एनआई पक्षर जो चेतावनी दिया जाइथिला ताकू जदि गुरुत्व सहित निया तबे हुए तो वर्तमान एभली स्थिति उपजी ना तेज इमरान मुझे फेर भी रोशन भी आम सहित जोड़े सारी रोशन आपड़ ये जो आतंकवादी कथ भी आगुरी भी ट्राक कर खबर को जितेबाला जगतपुर प्रथम आतंकवादी सामना को आसला ओडिशा रे आतंकवादी कथा सामना को आसला से हुए तो कई विश्वास कले ओडिशा रे मध्य आतंकवादी थाई पारंती किंतु वर्तमान गोटे ट्रेंड हो गला बारंबार गोटे ट्रैक रेकर्ड आसूँ ओडिशा मध्य आतंकवादी प्रवेश करुछंती गिरफ्तारी मध्य होछि अन्य राज्य पुलिस मध्य आसंती तबे गुइंदा विभाग आमर प्रस्तुत रही तो देखो कमलाकांत 14 अक्टोबर 2019 दिल्ली रे एनआईए तरफ रु हाई लेवल मीटिंग बसला जो थे एनआईए डीजी योगेश चंद्र जी अच्छा सी स्पष्ट सूचना देते जे ओडिशा रे आसाम रे एवं अन्य झारखंड रे विशेषकर यही तीनोटी राज्य रे वर्तमान जो बांग्लादेशी जो आतंकवादी रही निजामुद्दीन जमात उल मुजाहिदीन तांकर गतिविधि अति मात्रा रे वृद्धि पाई एने से गोटे 125 जन ना रोटे लिस्ट जारी कर लिस्ट गुइंदा विभाग समेत जो यही विशेषकर यही तीनोटी राज्यर गुइंदा विभाग को दि जाइए और आलर्ट रही कहला प्रश्न उठू जदि बर्षे तले एनआईए आलर्ट कर सारी यह भितर ओडिशा आतंकवादी आसिकी रहीकि पलि वेस्ट बेंगल गिरफ्त होती तेरे गुइंदा विभाग पाखे एने सूचना थी ना ना ये सबुठ बड़ प्रश्न उठू आप जो भाव में कहले पूर्व आतंकवादी ओडिशा गिरफ्त हो सारी सूचना मिलूँ जे क्यों भली भाव रे ओडिशा रो किछि युवकों विशेष करी आतंकवादी संगठन सहित तो लिंक रोची ए सबू बाद जदि एनआईए सतर्क करुची एवं स्पष्ट भाव रे सूचना दोची जे ओडिशा रे विशेष करी बांग्लादेश अनुप्रवेशकारी जो माने रहउचंती एमानक भितरु किछि आतंकवादी संगठन सहित तो लिंक रखुचंती एमाने विशेष करी ए ओडिशा झारखंड एवं आसाम एही राज्य गुडी करे चलप्रचल अधिक होउचंती तांको कार्यकलाप अधिक वृद्धि पाउची तेनु विशेष करी पुलिस एवं स्पेशल टास्क फोर्स जो गुडा
विभाग रही गुइंदा विभाग एमाने केते अलर्ट अच्छा से नहीं वर्तमान सुधा स्पष्ट सूचना मिल पारे ना। वर्तमान जो भाव में कह जो तीन जो आतंकवादी वर्तमान गिरफ होती कलिकतारु से भितर तीन जन ओडिशा आसी रही कथा कहुचार से क्यों स्थान को आसते से स्थान में केते दिन रही कार्यकलाप कौन थी क्यों उद्देश्य ओडिशा को आसते से सबू विषय निश्चित भाव में अधिक तदंत कर खोलताल करने आरंभ अच्छी नचे कहीपर आउ कि आतंकवादी सब बड़ प्रश्न जदि आतंकवादी आसी तबे से क्योंठी अच्छा क्योंठी लुचिक रही गुइंदा विभाग पाखे से नहीं किसी सूचना रही कि केन्द्रापड़ा कथा कहतु पूरी कथा कहतु जो कोस्ट लाइन रही ओडिशार भारत बहुत गुरुत्वपूर्ण यही कोस्ट लाइन को व्यवहार से कर जो बांग्लादेश बांग्लादेशी अनुप्रवेशकारी कथा आसूसी तेज पूरा आलोचना को फेर तेज से जो वर्षे पूर्व जो एनआईए पक्षर ओडिशा को सतर्क कर प्रथम शुणिने असम झारखंड एवं उड़ीसा में पिछले कुछ समय से जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश की गतिविधियों में काफी बढ़ोतरी हुई है तथा इन सभी राज्यों में पुलिस द्वारा अलग अलग प्रकरणों की विवेचना की जा रही। एनआईए द्वारा इन प्रकरणों की पैन इंडिया बेसिस पर विवेचना के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स की आड़ में जेएमबी द्वारा उपरोक्त राज्यों के अतिरिक्त देश के अन्य राज्यों जैसे बिहार कर्नाटक केरल महाराष्ट्र इत्यादि में भी अपनी गतिविधियों का विस्तार किया है। एनआईए द्वारा जेएमबी से जुड़े हुए 125 संदिग्ध अभियुक्तों की लिस्ट सभी संबंधित एजेंसियों को सर्कुलेट की गई है। एनआईए पक्ष जो सूचना दिया जाए थिला वर्षे तलू जो सूचना दिया जाए थिला ओडिशा को सतर्क करा जाए थिला खूब स्पष्ट भाव में ओडिशा रो ना निया जाउ छी एवं 125 जन को जो लिस्ट रही थिला सेथिरे ओडिशा कथा भी आसी थिला एवं कहा जाए थिला जे बांग्लादेश जो अनुप्रवेशकारी बार रही छंती बा छद्मवेश रे जो माने रहउ छंती आसु छंती एवं वोट भी देउ छंती ओडिशा रे सेई मानक ना नै आतंकवादी ओडिशा को प्रवेश करुथाय पारंते एवं ए बयान कोनोसी साधारण बयान नै एनआईए पक्षरु ए बयान दिया जाए थिला वर्षे तलू राज्य सरकार एवं गुइंदा विभाग को सतर्क करा जाए थिला किंतु वर्तमान सेई प्रश्न गुइंदा विभाग से प्रस्तुत कि आतंकवादी जदि आसी से किसी प्लानिंग रही कि कारण जदि किसी दिन पर आम देखा किसी दिन पूर्व हाइदर किभली भाव में खसी जाता जेल भितर किभली भाव में कारनामा चलुच्छे पुलिस पाखे खबर पहुँचनी तो यह स्थित आतंकवादी मुकाबला करने राज्य सरकार के प्रस्तुत पुलिस विभाग गुइंदा विभाग के प्रस्तुत रोशन देखो निश्चित भाव में बड़ प्रश्न उठू विशेषकर गुइंदा विभाग केत प्रस्तुत कारण आपत स्पष्ट भाव में किसी समय पूर्व जो बाइट शुणाऊ एनआईए डीजी योगेश चंद्र मोदी ये हूँ प्रतिक्रिया जितेबाला बर्षे तले दिल्ली में हाईलेवल मीट चलता से स्पष्ट भाव में कही ओडिशा आसाम झारखंड यही तीनोटी राज्य में विशेषकर जो बांग्लादेश नंबर वन आतंकवादी संगठन रही जेएमडी जोटा मुजाहिदीन ग्रुप रही विशेषकर यही तीनोटी राज्य में गतिविधि बर्तमान बढ़ुच्ची या छड़ा अन्य राज्य गुड़िकी जोटा बिहार रही कर्णाटक रही सबू राज्य गुड़िकरे पश्चिमबंग रही केरल रही राज्य गुड़िकरे धीरे धीरे ये आतंकवादी संगठन में किसी सदस्य रहीकि काया मेलाउंट जो 125 जनकर तालिका बाहर कर जेएमबी संगठन 125 जनकर तालिका बाहर कर तालिका को गुइंदा विभाग सहित अन्य जो विभाग गुड़िक रही से समस्त को सर्कुलेट कर आलर्ट करदी वर्षे तलू आलर्ट कर तेज खबर केमती पहुँचला नहीं गुइंदा विभाग पाखे जे आतंकवादी आसी ओडिशा लुचिकि रही पलैले एवं सेमाने अन्य राज्यरु गिरफ हेले यहाँ पूर्वरु कमलाकांत मु आ गोटे सूचना देवाक चाहिए गत वर्ष 2019 अक्टोबर 3 तारीख में एनआईए डीजी योगेश चंद्र मोदी निजे ओडिशा आसते ओडिशा पुलिस डीजी समेत बहुत वरिष्ठ अफिसर उपस्थित थे जो मानक केमती भाव में आतंकवादी सहित मुकाबला करहब कि भाव में ट्राक करहब और फंडिंग विशेषकर आतंकवादी फंडिंग को किभली भाव में ट्राक करहब से सबू उपर आलोचना होता गोटे बड़ बैठक होता तापर दिल्ली में ये उच्चस्तरीय बैठक बसला एनआईए डीजी जिते बड़े स्पष्ट भाव में ओडिशा ना नौ आलर्ट कर तथ्य 125 जन गोटे विस्तृत तालिका बाहर करी पुलिस को गुइंदा विभाग को दि जाऊँगी तेज गुइंदा विभाग पाखे केमती खबर पहुंची पारुनी जे ओडिशा को आतंकवादी आसुच्च लुचिकी रही पलाऊँच जदि से बारंबार ओडिशा आसुच्च तेज ओडिशा सहित कौन लिंक रही आउ कि आतंकवादी ओडिशा अच्छा कारण आपड़ जानते जे ओडिशा जो विशेषकर समुद्र तट रही भद्रक कहतु कि बालेश्वर कहतु ये रूट दे सब नजर रहे केन्द्रापड़ा यही रूट दे विशेष करी बांग्लादेशी अनुप्रवेशकारी माने प्रवेश करथांती एवं
ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯଦି କେହି ଆତଙ୍କବାଦୀ ହୋଇଥାଇ ପାରନ୍ତି ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ସେମିତି କିଛି ବଡ଼ ଧରଣର ଯୋଜନା କରିବାର ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି କି? କାରଣ ଚାନ୍ଦିପୁର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛି, ତାକୁ ଏସବୁ ଉପରେ ବିଶେଷ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ଉପରେ ନଜର ରହୁଛି ଯେ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ କେତେ ଆଲର୍ଟ ରହୁଛି। ରସନ ମୁଁ ଆପଣ ପାଖକୁ ଫେରିବି, ପୁଣିଥରେ ଇମ୍ରାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, କଟକରୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼େଇଛନ୍ତି ଇମ୍ରାନ। ଇମ୍ରାନ, ଜଗତପୁର ଯେତେବେଳେ ଅବଦୁଲ ରେହମାନ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ, ଏଭଳି କଥା ହୁଏତ ପୂର୍ବରୁ କେହି ଚିନ୍ତା କରିପାରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକରେ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ରହିଛି, ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ରହିଛି, କିଛି ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି କି, କିଛି ସୂଚନା ମିଳୁଛି କି, କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ କମଳାକାନ୍ତ, ଗୋଟେ ଯଦି ମୁଁ ଆପଣ କହିବା ଆଗରୁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମୁଁ ବା ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେବି, ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ଯେତିକି ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସଦସ୍ୟ ବା ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ଓଡ଼ିଶା ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ବା ରହିଛି ବା ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ଗିରଫ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ NIA ବା ଯେଉଁ ଜାତୀୟ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ବା IB ଯେଉଁ ରହିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବ୍ୟୁରୋ, ସେମାନଙ୍କର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ବା ଦିଲ୍ଲୀର ଯେଉଁ ସ୍ପେଶାଲ ସେଲ୍, ସେମାନଙ୍କର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଯାଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗିରଫ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ତଥ୍ୟ କୌଣସି ସୂଚନା ଓଡ଼ିଶାର ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ପାଖରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ରହିପାରୁନାହିଁ। ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଯେତିକି ସବୁ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେ ଅବଦୁଲ ରହମାନ ଜଗତପୁରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆପଣ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ହବିବୁର ରହମାନ, ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ବାଲେଶ୍ୱର ITR ଯିଏ ତଥ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ ISI ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା ଈଶ୍ୱର ବେହେରା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ରାଉରକେଲାରୁ ସୀମି ଆତଙ୍କବାଦୀର ସଂଗଠନ ସଦସ୍ୟ ମାନେ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲେ 4-5 ଜଣ, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଯେହେତୁ ବିଭିନ୍ନ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ସହିତ ଥିଲା, ଏବଂ ଏମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ସଫଳ କେତେବେଳେ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ବା ଜାତୀୟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବ୍ୟୁରୋ ପକ୍ଷରୁ ଯେତେବେଳେ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିକି ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗର ସହଯୋଗରେ ସେମାନେ ତାକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ କଡ଼ା ନଜର ରଖିବା କଥା ତା ପୂରା ପୂର୍ବରୁ ଢିଲା ହୋଇଛି, କାହିଁକିନା ଗତକାଲି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପୂର୍ବତନ କର୍ଣ୍ଣେଲ ପଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ସେ କଥା ସେ କହୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେତିକି ତଟୀୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି, ଖାସ କରିକି ଯେତିକି ସମୁଦ୍ର କୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି, ତା ସେଠି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରାଯାଇପାରୁନାହିଁ, ସେଠି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନା ମଧ୍ୟ ରହୁନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀମାନଙ୍କର ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସଫଳ ହେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନେ ଆସିକି ଏଠି ଅନେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳଙ୍କ ଛତ୍ରଛାୟାତଳେ ରହୁଛନ୍ତି, ନକଲି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ବଦଳାଇକି ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ କଥା ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ କମଳାକାନ୍ତ, ଯେତିକି ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ସଦସ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଧରା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କୌଣସି ବଡ଼ ଧରଣର ଦୁର୍ଘଟଣା ବା ବଡ଼ ଧରଣର କୌଣସି ଆକ୍ରମଣ କରିନାହାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗୋଟିଏ ସୁରକ୍ଷିତ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଭାବରେ ସେମାନେ ସଦାବେଳେ ବାଛିଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆସିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତିକି ଆପଣ ଦେଖିବେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଯେତିକି ରହିଛି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆତଙ୍କବାଦୀ, ମୁଁ ରୋଶନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ରୋଶନ, 2014 ମଧ୍ୟ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ 2 ସପ୍ତାହ ଧରି କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ପୁରୀରେ ରହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବା ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ପୋଲିସ ପାଖରେ ଖବର ନଥିଲା। ଜାତୀୟ ସ୍ତରରୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସିଲା ବା ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଟିମ୍ ଆସିଲା ଓଡ଼ିଶାରୁ ଗିରଫଦାରୀ ହେଲା ଏବଂ ଖବର ପହଞ୍ଚିଲା ଯେ 2 ସପ୍ତାହ ଧରି ସେମାନେ କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପୁରୀ ଏଭଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଥିଲେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଯେତେବେଳେ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଉନି ବା ସେଭଳି କିଛି ଆଖି ଦୃଷ୍ଟିଆ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନି, କୋଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଯେଭଳି ଭାବେ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଯିବା କଥା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି, ସେଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ଏବଂ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ରହିଛି ଏମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି, ଖାସ କରିକି ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟରମାନେ ହାତରୁ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆତଙ୍କବାଦୀ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ? ଦେଖନ୍ତୁ କମଳକାନ୍ତ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେବଳ ଯେଉଁ ଅବଦୁଲ ରହମାନ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଗିରଫ ହୋଇଛି ତା ନୁହଁ, ଅନ୍ୟ କିଛି ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ବିଶେଷ କରି ସିମି ସଂଗଠନର ଆତଙ୍କବାଦୀ ଲିଙ୍କରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଥିଲେ, ପୂର୍ବରୁ ଭଦ୍ରକ ଏବଂ ରାଉରକେଲାରୁ ରୁଚି ରହିଥିବା କିଛି ସଦସ୍ୟ ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ପେଶାଲ ସେଲ୍ ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ 2 ଆତଙ୍କବାଦୀକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିବା କଥା ପଦାକୁ ଆସିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଚିତ୍ର ଆସୁଛି ଯେ 3 ଆତଙ୍କବାଦୀ ଓଡ଼ିଶା ଆସିକି ଲୁଚିକି ରହିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ଲୁଚିକି ରହିଛନ୍ତି, 2-3 ଅଲଗା ଅଲଗା ସ୍ଥାନକୁ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ତା ଉପରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଯେଉଁ JMB ସଂଗଠନ ରହିଛି, ବିଶେଷ କରି ଜମାତ ଉଦୁଲ ମୁଜାହିଦ୍ଦିନ ସଂଗଠନ ରହିଛି, ଏହି ସଂଗଠନର ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାକୁ ବାଂଲାଦେଶର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବାଂଲାଦେଶ ବୋର୍ଡର ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ରହିଛି ସେପଟୁ ବିଶେଷ କରି ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି, ଅନ୍ଅଫିସିଆଲ ଡାଟା ଯାହା କହୁଛି 5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ବାଂଲାଦେଶ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଭିତରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ସେଫ୍ ରାସ୍ତା ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଯେ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଦେଇ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବା, ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅପରେସନ୍ ଏଠୁ ପ୍ଲାନ୍ କରିବା, ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କେବଳ ସେମାନେ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରହିଥିଲେ ନା ଏଠୁ ସେମାନେ କିଛି ଅପରେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଥିଲେ, ତାହା ଖବର ଗୁଇନ୍ଦା ପାଖରେ ଥିଲା ନା ନାହିଁ, ସେସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ରୋଶନ, ନିହାତି ଭାବରେ ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରେ ଯେଉଁ
कोस्टगार्ड कथा कहतु कोस्ट लाइन रे कि भाव में सुरक्षा व्यवस्था को वर्तमान अधिक शक्त करवा कथा एवं जो भुवनेश्वर पीसी करदे हेबनी जो ग्राउंड रही केन्द्रापड़ा कथा कहतु बालेश्वर कथा कहतु से वर्तमान किभली स्थित रही राज्य पुलिस गुइंदा विभाग और राज्य सरकार के पक्ष वर्तमान सेठे ग्राउंड जीरो में किभली स्थित रही किभली भाव में सेठू आतंकवादी जदि प्रकृत आसवाई चेषा करुप्रवेश चेषा करुँचु रोकवाई राज्य सरकार गुइंदा विभाग और पुलिस पक्षर सेमती किसी पदक्षेप निया जाए कि देखो वर्तमान सुधा तो एने स्पष्ट सूचना किसी मिल पारिना पुलिस डीजी से नहीं किसी स्पष्ट सूचना देना तेणु वर्तमान पुलिस विभाग पक्षर कौन प्लानिंग करा एवं जो वेस्ट बंगाल स्पेशल स्क्वाड रही सहित किसी आलोचना रही कि स्पेशल टास्क फोर्स सहित ओडिशा रे जो तदंत चलती वर्तमान इंट्रोगेसन चलती आतंकवादी मैंने क्यों स्थान को आसते एटी केत रही किसी किसी जगह ट्रावेल करते कि यू अपरेसन प्लां करते ना यू आउ किसी लोक क्रिएट करवा उद्देश्य था से सबू नहीं वर्तमान ओडिशा रो जो इंटेलिजेंस रही कि जो टास्क फोर्स रही सहित आलोचना एसटीएफ सहित आलोचना होना ना ता वर्तमान प्रश्न पड़े से नहीं वर्तमान सुधा जो वेस्ट बंगाल पुलिस तरफ किसी स्पष्ट सूचना दि जाए ना किशा पुलिस पक्षर स्पष्ट सूचना मिल पारिना कौन स्पष्ट सूचना मिल पारे ना ओडिशा पुलिस पक्ष पश्चिम बंग पुलिस पक्ष तेज बहुत बहुत धन्यवाद ए भुवनेश्वर आम सहित जोड़ी होते रोशन रथ आम प्रतिनिधि पुणि थे कटक फेर चाहिए आम प्रतिनिधि इमरान रही इमरान आप कटक रही जो पुलिस मुख्यालय रही गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति से तेज किसी सूचना मिलू कि हलचल देखा मिलूँ कि ओडिशा पुलिस गुइंदा विभाग जो रही किसी हलचल देखापी मिलू ना पूर्व भाई जो वर्ष पूर्व एनआईए पक्षर सतर्क कराई जमी पूर्व भाई स्थित रही है बर्तमान भी जितेबले एत बड़ घटना एत बड़ आशंका करदेह करशा को आतंकवादी मैंने प्रवेश करते भी वर्तमान सेठार किसी हलचल देखापी मिलूँ ना सबकि पूर्व भाई रही देखो कमलाकांत जो वर्तमान खबर जेहतु मिल जाए गणमाध्यम खबर प्रसारण है विभिन्न जगह चर्चा है जातीय गणमाध्यम खबर चर्चा है कि अनेपटे जेहतु आम गत काली पुलिस डीजी प्रतिक्रिया नाप चेस्ट करूँ से स्पष्ट भाव में कहते हैं पाखे किसी खबर ना से किसी एवं कहींपरि ना अनेपटे जेहतु आज सकाल सूचना मिली गुइंदा अधिकारी कहते जे गुइंदा अधिकारी जेहतु ना को छद्म नाम रखते कहवा कथ है जैसे वर्तमान कोलकाता एसटीएफ पुलिस सहित जोजोग वर्तमान रही से पूरापूरी भाव में गतिविधि नजर रखते कहीं जदि आवश्यक पड़े से कोलकाता जाकि धरा पड़ते तीन जन आतंकवादी सहित से पचराउचा करके अधिक तथ्य संग्रह करते जेहतु वर्तमान सुधा कौन आक्टिव कौन सक्रिय जो पदक्षेप दवा कथा सठिक भाव में देखा जाऊना कि कहीं जेहतु यहाँ गुइंदा गोटे जेहतु गुइंदा विभाग कार्य रही है यहाँ जीत गुप्त भाव में तदंतकारी तदंत यार कार्यानुषान कहीं जेहतु यह गणमाध्यम सामने कौन प्रतिक्रिया रखी ना कि अनेपटे जदि आप देखिए गुइंदा ओडिशा खास करके गुइंदा विभाग पाखे से तथ्य सब पूर्वर जी रेकर्ड था से पूर्व रेकर्ड से छानबीन करती जेहतु पूर्व जी सब आतंकवादी धरा पड़ते सदस्य मैंने धरा पड़ते से सब स्थान को अर्थात जो खास करके जो सीमावर्त समुद्रकूल को लगी रही अंचल गुड़िक बालेश्वर और केन्द्रापड़ा से आशा करवा राज्य गुइंदा विभाग पुलिस और राज्य सरकार ये जो आतंकवादी घटना को लेकिन टी तत्परता देखा घटना को गुरुतर सहित नेबे एवं पूर्वर जो भूल होता सुरक्षा को लेकिन जो प्रश्न उठूला वर्तमान से भली किसी भूल करे नहीं कारण जो एनआईए पक्षर सतर्क कराऊँ बारंबार आतंकवादी ओडिशा रे प्रवेश करुवा ओडिशा आतंकवादी टार्गेट थिबा सब टार्गेट थिबा कथा बारंबार जातीय गणमाध्यम खबर परेशन होते राज्य सरकार गुइंदा विभाग एवं पुलिस र निद भांगिबो एवं पूर्वरु जेतेबेले एभली घटना सामना को आसु नथिला वर्तमान समय बदली राज्य सरकार पुलिस एवं गुइंदा विभाग तत्परता देखाइबार समय आसी एवं जदि एभली घटना घटे किभली भावरे राज्य सरकार पुलिस विभाग यार मुकाबला करिबो सेथिपई प्रस्तुति करिबार समय आसी आइछि ते वर्तमान अगस्त ब्रेकिंग रे समय सरीछि नमस्कार।